मैं बड़े फख्र और एहतराम के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास को निमंत्रण देता हूँ। स्वागत है। बहुत पहले मैं इनका कहीं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ किसी ने ये बोला कि कुमार विश्वास जी आपके नाम पे तो बड़ी भीड़ जुड़ जाती है। इन्होंने सख्त एतराज़ किया इस बात पे कि देखो इनको भीड़ मत कहो, ये भीड़ नहीं है, ये लोग हैं, मेरे लोग हैं, मुझे सुनने आए हैं। ये जो लोग आखिरी सफ तक नजर आ रहे हैं ना, खड़े हैं पीछे लोग, ये दिखाई नहीं दिए आपसे पहले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इन सबको बहुत बहुत सलाम। ये हिंदी का सौभाग्य है, ये हिंदी के सुहाग हैं सब लोग, उनकी वजह से भारतीय है। भाषाएं और माताएं, देखिए पहले तो मैं भी एक डिस्क्लेमर डाल दूं, आपने डाला है तो, कि मैं जिन सबका पाठक रहा हूं वो सब नीचे बैठे हैं। ममता जी बैठी हैं, महुआ जी बैठी हैं, तमाम इन लोगों का मैं पाठक रहा हूं। सरोज कुमार जी के संचालन में मैंने शुरुआती दौर में पढ़ा, आबिद सुरती साहब की शुरुआती कविताएं जब पढ़ रहा था मान बहादुर सिंह के साथ, वो शायद उन्हें याद भी नहीं, उनकी कविता है बिंदी बिंदिया, वो मुझे याद थी शुरुआती दौर में बीए के पहले साल में। विजय भाई बैठे हैं, तो पहले तो ये डिस्क्लेमर डाल दूं कि मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है और मैं सदा ये मानता हूं कि भाषाएं और माताएं वो शामियाने और उत्सव धर्मिता से बड़े नहीं होते, वो अपने बेटे बेटियों से बड़े होते हैं। वाह, अगर हिंदी नागार्जुन पैदा करती रहे, हिंदी निराला पैदा करती रहे, तो हिंदी विश्व में पढ़ाई जाती रहेगी। हिंदी रविंद्र पैदा करती रहे, बांग्ला रविंद्र पैदा करती रहे, तो पढ़ाई जाती रहेगी। तो मैं ये मानता हूं कि इनमें से जो लोग आए हैं, जो आज आगे बैठे लोगों को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लोग पीछे हैं, ये हो सकता है कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, ये हो सकता है कि 50 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद वो सबसे आगे बैठे हुए हों और फिर मेरी जगह कोई और आदमी बैठा हुआ और उन्हें सुन रहा हो, उन्हें प्रणाम कर रहा हो, तो ये तो सब सौभाग्य है। जितने भी युवा आए हैं, जो लड़के लड़के